हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गल्फ एडिया चैनल में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जो कतर की पहली अपडेट आ रही है, कल के दिन दोस्तों कतर एयरपोर्ट में कस्टम डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा चेकिंग चलाया है, क्योंकि दोस्तों कल के दिन एक शख्स को एक टिफिन के एक दोस्तों केक बनाने वाली मशीन में कुछ नशीली चीज लेकर जा रहा था। तो दोस्तों वहाँ के जो कस्टम डिपार्टमेंट है उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। अगर फिर उन्हें दोस्तों वहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में भेज दिया है। अब उनसे ये पूछताछ की जाएगी, अगर उनकी ये जो मशीन में उनकी सामान निकली तो उन्हें दोस्तों वहाँ पे सजा हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे जो वहाँ का जो कानून है दोस्तों, अगर आप वहाँ पे इलीगल तरीके से कोई भी चीज और वहाँ पे कोई भी नशीली चीज अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 10 साल की सजा दी जाती है। इसलिए दोस्तों वहां पे कोई भी आप अगर वहां पे आप रहते हैं तो कोई भी इलीगल तरीके से कोई भी काम नहीं करें, ना ही दोस्तों कोई नशीली चीज वहां पे ले जाए। वहां पे बहुत ही दोस्तों कड़ा कानून है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब में डायरेक्ट फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसलिए दोस्तों वहां पे जो चेकिंग है दोस्तों बहुत ही कड़ाई वाली चेकिंग है। मतलब दोस्तों वहां के प्रशासन से और वहां के पुलिस डिपार्टमेंट से आप बच नहीं सकते। इसलिए अपना सेफ्टी बना के चल ले ताकि दोस्तों आप अपना सेफ्टी बनाए रखें। और हो सकता है दोस्तों अगर आप एयरपोर्ट में जाएं तो कोई भी गलत काम नहीं करें, वहां पे कोई भी नशीली चीज ना ले जाएं। ऐसा करना दोस्तों वहां पे गैर कानूनी है, आपको सजा भी हो सकती है। फिर दोस्तों जो कतर की अगली अपडेट आ रही है, 17 फरवरी 2022 से दोस्तों एक वहां पे जो सिस्टम स्टार्ट हो रहा था कि जो भी कतर से स्विट्जरलैंड जा रहे थे तो उन्हें पीसीआर टेस्ट कराना पड़ रहा था। तो दोस्तों अभी कल के दिन इन्हें दोस्तों एक नया नियम लागू हो चुका है, कोई भी अगर कतर से स्विट्जरलैंड जाते हैं तो उनको ना पीसीआर टेस्ट कराना होगा, ना ही अपना कोई वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट मतलब वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब डायरेक्ट दोस्तों कतर से स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। फिर दोस्तों सीआईडी ने 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये 3 लोग दोस्तों एक वहां के डोमेस्टिक फीमेल वर्कर को वहां पे भगाने और उन्हें काम देने का काम करते थे। मतलब दोस्तों उनके साथ इलीगल तरीके से उनके साथ व्यवहार करते थे। तो दोस्तों वहां के जो सीआईडी डिपार्टमेंट है उन्हें एडवर्टाइज के बहाने से उन्हें अरेस्ट कर लिया है और इन 3 ने दोस्तों अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। दोस्तों इसी तरह आप मेरे चैनल से रोज नई अपडेट लेना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।